मेरठ जिले में चल रहे क्लीन काली नदी प्रोजेक्ट को लेकर रसूलपुर औरंगाबाद में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा यहां पहुंचकर कि सबसे पहले काली नदी के किनारे पौधारोपण उन्होंने किया। क्लीन काली नदी प्रोजेक्ट के 2 किलोमीटर के हिस्से में चल रहे कार्य को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सराहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी सराहा गया। 22 जून को किला परीक्षितगढ़ रोड स्थित गावड़ी गांव क्षेत्र में काली नदी के 2 किलोमीटर के हिस्से की साफ सफाई का कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया था। आसपास के 3 गाँव के प्रधानों ने श्रमदान का संकल्प लेकर इस काम को आगे बढ़ाया। बाद में इससे जुड़े कई लोग और साथ आते गए। अब काली नदी को मेरठ में 40 किलोमीटर तक साफ करने का संकल्प प्रशासन ने लिया है। अगर पानी जिस दिन अवेलेबल नहीं हुआ तो वो हीरे से भी बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि पानी को हीरे से भी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए और उसकी उसको संजो के रखना चाहिए। और जो मिशन उठाया है प्रशासन ने वो काबिल तारीफ है। ये हमारी जनरेशन को आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मिशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। काली नदी के सफाई अभियान हम लोग पहले गावड़ी गाँव से शुरू किए थे और लोगों के बीच में जागरूकता ज़रूर फैलेगी कि इस नदी को प्रदूषित नहीं करना है और इसके कारण से जल्दी ही ये साफ काली नदी हम सबको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 3 लाख वर्ग मीटर का जमीन हम लोगों ने कब्जा छुड़वाए हैं और वहाँ कल हमने वृक्षारोपण भी कराया है।